राष्ट्रीय खेल दिवस पर याद किए गए भारत रत्न मेजर ध्यानचंद रीवा में आयोजित हुए कई कार्यक्रम और गोष्ठी। मुख्य कार्यक्रम हुआ रीवा के एनसीसी मैदान में। राष्ट्रीय खेल दिवस पर याद किए गए भारत रत्न मेजर ध्यानचंद रीवा में आयोजित हुए कई कार्यक्रम और गोष्ठी। मुख्य कार्यक्रम हुआ रीवा के एनसीसी मैदान में। मेजर ध्यानचंद के नाम से ही हम आज का दिन मनाते हैं, आज का दिन भारत रत्न के नाम से हम याद करते हैं। पूरा देश खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर याद किए गए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद रीवा के एनसीसी मैदान में हॉकी एसोसिएशन एवं अरमान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एनसीसी ग्राउंड में आयोजित हुआ संगोष्ठी कार्यक्रम। इस दौरान खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी एम के धौलपुरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम को लेकर युवाओं को स्पोर्ट्स से जुड़ने विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान किए जा रहे हैं। आज इसी तरीके से हम याद करेंगे खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। आज उनका जन्मदिन है, हम आज इसे खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम आपको बता दें, आज से 117 साल पहले आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज तब के इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद का हॉकी खेल में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेली। इस दौरान 400 से अधिक इंटरनेशनल गोल दागे। मेजर ध्यानचंद भारत की ओर से बर्लिन जर्मनी में हॉकी मैच खेल रहे थे। उस दौरान जर्मनी का तानाशाह हिटलर मैदान में मौजूद था। उसने ध्यानचंद को खेलते देखा, वह भी नंगे पांव हॉकी। उनसे बड़ा प्रभावित हुआ, उसने मेजर ध्यानचंद को बुलवाया और कहा, तुम यहीं रुक जाओ, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन ध्यानचंद तो ठहरे ध्यानचंद। देश प्रेम का जज्बा, देश के लिए कुछ ऐसा करना जो लोगों को बरसों याद रहे, इस तरीके की सोच। और देखिए, आज हम आप सब मिलकर 117 साल पहले जन्मे व्यक्ति को याद कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद ने भारत को हॉकी के खेल में उस बुलंदियों तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। मेजर ध्यानचंद का पूरा परिवार हॉकी ही खेला करता था। बाद में उनके लड़के अशोक कुमार ने भारत की तरफ से खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो विजय दिलाई थी, उसे आज भी लोग याद करते हैं। मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए आज रीवा के विभिन्न खेल मैदान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। खेल और युवा कल्याण के तत्वाधान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर मेजर ध्यानचंद को याद किया गया। 29 अगस्त की तारीख भारत के लिए बेहद खास है। आज हमारा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इस दिवस को देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब वह हॉकी खेलते थे तो मानो लगता था गेंद उनकी स्टिक से चिपक गई हो। ध्यानचंद की उपलब्धियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारत खेल के इतिहास को नए शिखर पर पहुंचाया था। आइए आपको सुनाते हैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संभागीय अधिकारी एम के धौलपुरे से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दादा ध्यानचंद की स्मृति में पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोर शोर से आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। केंद्र शासन और राज्य शासन की संयुक्त रूप से ये पॉलिसी है कि सभी खेलों का सभी स्तर पे ये आयोजन किया जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, कल्चरल प्रोग्राम का हो, चाहे डुएट का हो, किसी भी स्तर पर दादा ध्यानचंद को याद किया जाए और नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाए जाकर सभी लोगों को फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट रहने के लिए जागरूक किया जाए और ग्राउंड से जुड़ने के लिए स्पेशली सभी छोटे और बड़े लोगों को ग्राउंड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी योजना है। तो इसी उपलक्ष्य में आज सबसे पहले मॉर्निंग में हम हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला जी, उनके साथ मिलके आज फर्स्ट प्रोग्राम कर रहे हैं और ज़िले में ये प्रोग्राम बहुत सभी विकास खंडों में सभी ज़िलों में कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, हम सारे जितने कराते जितने खेल कवर हो सकते हैं उन क्लबों में उस खेल में जाके हम प्रोत्साहित करेंगे।